बुरहानपुर की, जहां पर जिले में नमक फोर्टिफाइड के गुणों और महत्व को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला प्रबंध सुरेश कुमार सनखीरे ने कहा कि यह कार्यशाला मध्य प्रदेश शासन ने आयोजित की है, जिसमें नागरिकों को बताया गया है कि यह चावल प्लास्टिक के नहीं है, चावल और नमक के महत्व के बारे में बताया गया है। यह योजना गरीब नागरिकों के लिए है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना पूरे देश में एक साथ लागू की है। इसमें महिला बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समेत अन्य विभागों के कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। यह कार्यशाला जो आयोजित की गई है, यह मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयोजित की गई है, जो फोर्टिफाइड नमक और फोर्टिफाइड चावल की महत्ता क्या है उसके प्रचार प्रसार के लिए। लोगों में जो भ्रांतियां बनी हुई थी कि ये प्लास्टिक का चावल आ रहा है, तो ये वाकई में प्लास्टिक का चावल नहीं है। यह चावल विशेष प्रकार से कई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद गरीब तबके के लिए और जनताओं के लिए ये बनाया गया है, क्योंकि इस चावल के उपयोग करने से और इस नमक के उपयोग करने से पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो कमी की पूर्ति की जा रही है। इसके अलावा एनीमिया की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर किया जाता है, कुपोषण की शिकायत जो हो रही वो दूर की जा रही है, और लगभग ये अभी 5 से 10% तक हमें रिजल्ट मिल चुके थे। उसके बाद पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया है, और पूरे प्रदेश में अभी वर्तमान में जितनी भी कंट्रोल दुकानें हैं 52 जिलों में, वहाँ सभी दूर फोर्टिफाइड चावल और फोर्टिफाइड नमक का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। किसके द्वारा ये जो है, जिस तरह से आपने अपने कार्यशाला में बताया कि जो है किसी शख्सियत के द्वारा जो है इसको प्रारंभ किया गया और अब पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में जो है सफलतापूर्वक चल रहा है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी साहब के द्वारा ये किया गया है, और यहाँ पर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है, और जो डायरेक्टर ऑफ फूड हैं, हमारे खाद्य विभाग हैं, उनके माध्यम से ये सारी कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। ये जो है